हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको जो है सेक्यूजन डिवाइस है, जो उसकी अगर आपको कोई भी आपकी डिवाइस नॉट रेडी बता रही, नॉट वर्किंग बता रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑल इन वन सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर सेक्यूजन डिवाइस से लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या कैसे क्या करना है, सारी संपूर्ण प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे आपको कनेक्टिविटी करनी है, क्या करना है, सभी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में आने वाली बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। कर दो यार सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक लाल कलर का बटन ही तो दबाना है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या कैसी क्या प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी वीडियो शुरू और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है आईडी सर्विस, जो सेक्यूजन की आईडी सर्विस है, जो उसको डाउनलोड कर देना है। जो प्रोवाइडर है, जो ऐप है, एप्लीकेशन है आईडी सर्विस का, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, चलिए मैंने यहाँ से अपनी डिवाइस अटैच कर ली है और सिंपली एक्टिव नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्यूजन आईडी सर्विस स्टेटस नॉट रेडी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं फिर के करके देखें, सेक्यूजन आईडी सर्विस स्टेटस नॉट रेडी, इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पर मैं दो तीन बार कर चुका हूँ। इसके बाद तो चलिए मैं आपसे, मेरा शायद OTG ऑन नहीं है तो वो भी ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ संपूर्ण प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने OTG ऑन कर लिया। यहाँ पर देखिए, और जैसे OTG ऑन, सेक्यूजन आईडी सर्विस ओपन, सेक्यूजन आईडी डिवाइडर, इसके बाद ओके कर देना है। फिर से उसी एप्लीकेशन पर पहुँच जाना है। इसके बाद मैं सिंपली एक्टिव नाउ पर क्लिक करता हूँ, सेक्यूजन के आईडी सर्विस के डिवाइडर को सिलेक्ट करता हूँ। तो कुछ देख सकते हैं अब क्या होता है, देख सकते हैं, प्लीज़ वेट करके आ गया, कुछ लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टरिंग, ठीक है, एक्टिव डिवाइस, एक्टिवेटिंग डिवाइस, ठीक है दोस्तों, एक्टिवेटिंग डिवाइस हो रही है, मतलब मेरी डिवाइस जो अभी एक्टिवेट होगी, उसके बाद है वर्क करना शुरू कर दी है नहीं। चलिए आपको यहाँ से लाइव सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं नॉट रेडी बता रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक बार और एक्टिव पे क्लिक करना है, और एक्टिव पे नहीं, टेक्स्ट पे करना है। टेक्स्ट के बाद कैप्चर, टेक्स्ट कैप्चर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको फिर से प्लीज वेट का ऑप्शन होगा, उसके बाद डाउनलोडिंग होगा, एक्टिवेटिंग डिवाइस होगा, फिर से आपकी वही प्रोसेस होगी। चलिए दोस्तों, आपको सिंपली आगे बताते हैं क्या कैसे क्या प्रोसेसिंग होगी। कुछ लोडिंग होगी आपकी इसी प्रकार लोडिंग होने के बाद जो क्या होने वाला है, चलिए यहाँ पर सिंपली सब कुछ बता देता हूँ। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर हो जाता है, PD डाटा RSER कोड 1005, इस प्रकार का कुछ एरर आ जाता है। इसे कैसे सॉल्यूशन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो दोस्तों, इसे इन सारी जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसकी एक और एक मात्र एक कारण है कि आपकी जो पुरानी डिवाइस है, न्यू डिवाइस है, उसकी जो है आपकी आईडी सर्विस एक्सपायर हो जाती है। अगर आप एक साल के लिए लेते हैं, छः महीने के, वो सभी आपके मिनिमम एक साल की, एक साल दो साल जितने साल के लिए लेते हैं, तो वो जो आपकी आईडी सर्विस होती है वो आपकी एक्सपायर हो गई, उसे आपको रिन्यू कराना है। मेरी देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी लिख रही हुई है, 15/6/2021 को मेरी जो है एक्सपायर हो गई है, और इसे रिन्यू कराना था, अपग्रेड कराना होता है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकें। और दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से सेक्यूजन डिवाइस के बारे में भी आसानी से बताया, तो आप मेरे चैनल पेज पर जाके वहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए कि दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।